थोड़ा दूर क्या, मैं तो घर पे जाने को तैयार हूं, बना लो। दिस इज नॉट फनी। तो कौन पकाएगा? भूत मेरा। चलो चलो चलो। स्नैक टाइम यानी कि जब सबसे ज्यादा भूख लगती है और कुछ बढ़िया चटपटा खाने को दिल करता है, उसके लिए अलग अलग रेसिपीज हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, बहुत सारी मिलेंगे। लेकिन आज की जो रेसिपी है ना, वो है थोड़ी सी एशियन स्टाइल, कह लीजिए चाइनीज स्टाइल, जहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मक्की के दानों का। जी हाँ, क्रिस्पी कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर, समथिंग वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बेहद टेस्टी, मतलब स्नैकिंग की तो बल्ले बल्ले। और ये जब आप बनाएंगे ना, आई बेट आप एक पे नहीं रुक पाएंगे या मुट्ठी भर पे नहीं रुक पाएंगे, खाते जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल, उतना ही बनाइए जितना खाना है, वरना ओवर ईटिंग हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे यार कुणाल तुमने कहाँ फंसा दिया। तो चलिए बनाते हैं क्रिस्पी कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर। अब क्रिस्पी कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर के लिए हमने लिया है ये कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न है। इसे मैंने बॉइल कर लिया और उसके बाद छान के ठंडा कर लिया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें अब हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च, ये रहा कॉर्न स्टार्च, थोड़ी मात्रा ज़्यादा लगती है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोंट वरी, थोड़ा सा एक्सेस भी होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, लेकिन कॉर्न के जितने भी दाने हैं उस पर अच्छे से ये चिपकना चाहिए। हल्का सा पानी का छिट्टा मैं इसमें मार रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर कॉर्न स्टार्च पूरी तरीके से इस पर नहीं चिपकेगा ना, तो कहीं से करारा होगा, कहीं से वो सॉफ्ट होगा। हमें चाहिए बिल्कुल इवनली क्रिस्पी, उसके लिए ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। लाइक आई सेड, थोड़ा पानी का छींटा आप डाल सकते हैं अगर वो बिल्कुल ड्राई हो रहा है, चिपक नहीं रहा इवनली, तो जस्ट टॉस इट। टॉस करने से क्या होगा, जितना भी ड्राई कॉर्नफ्लावर है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। चलिए अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हमें तेज आंच पर फ्राई करना है ताकि ये बाहर से क्रिस्पी हो जाए। बीच में दो चार होंगे जो पॉप करेंगे, सो जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्टेंस, क्योंकि पानी के अंदर इसे हमने उबाला था, कई जो दाने होते हैं बिल्कुल सील्ड होते हैं, उसमें क्रैक नहीं आया होता, इसलिए जब हम उबालते हैं तो वो पॉप करते हैं, जैसे पॉपकॉर्न होता है बिल्कुल वैसे, दे जस्ट पॉप। देयर यू गो, ध्यान से, लाइक आई सेड, डिस्टेंस, लुक एट दीज ब्यूटिफुल गोल्डन कॉर्न, क्या खूबसूरत लग रही है। इसे अब हम निकाल लेंगे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर। ये तैयार, देयर यू गो, लुक एट दैट, कौन तैयार है। अब चलते हैं इसे स्टर फ्राई करने की तरफ। गैस को ऑन करना है, एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, हीट इट अप। इसके अंदर हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, गार्लिक की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा, चॉप्ड जिंजर, ग्रीन चिली चॉप्ड, और बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज की मात्रा भी थोड़ी सी ज्यादा। हाई फ्लेम पे इसे हमें स्टर फ्राई करना है। देखिए, ना अदरक ना गार्लिक और ना ही अनियंस को हमें ब्राउन करना है। एक क्विक आंच पर जब आप उसे स्टर करते हैं, एक रॉ फ्लेवर जो होता है उसका, वो थोड़ा राउंड ऑफ हो जाता है और उसका जो क्रंच रहता है स्पेशली अनियंस का, वो बरकरार रहता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रेसिपी। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड कैप्सिकम,
ग्रीन, रेड, येलो तीनों मिलाकर आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम है जो कॉमनली अवेलेबल होती है, दैट्स ऑल्सो ओके। इसमें डालेंगे हम कॉर्न। इसके ऊपर जाएगा सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा सोया सॉस, जरा सा चिली सॉस स्वाद अनुसार, और अब इसे हम टॉस करेंगे। There you go. क्या बढ़िया कलर आया इसमें। एट नो पॉइंट इसको हमें तेज आंच पर ही पकाना है। हमारा ये क्रिस्पी कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर ऑलमोस्ट डन। इस पे हम डालेंगे चॉप्ड स्प्रिंग अनियन, गिव इट अ टॉस अगेन। गैस बंद, तैयार है। जस्ट अ लिटल लेमन जूस, एक डैश ऑफ लेमन जूस। गैस बंद करने के बाद डिश तैयार है, चलिए इसे परोसते हैं। और हमारी क्रिस्पी कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर डन। भाई ये तो डन हो गई। अब चलते हैं एक्स्ट्रा शॉट्स में, जहां पर हम जानेंगे कॉर्न यानी कि मक्का, उसके ओरिजिन्स और कॉर्न फ्लावर और कॉर्न स्टार्च के बीच का फर्क। वॉच एक्स्ट्रा शॉट्स। आज हम जानेंगे फर्क क्या है कॉर्न फ्लावर और कॉर्न स्टार्च में। इससे पहले हम ये जाने कि कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर में क्या फर्क है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि मेज और कॉर्न में क्या फर्क है। मेज और कॉर्न में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज के नाम है। सो सिंपल। अब चीज ये होती है, जब भी हम कलनरी टर्म्स या खाने की बात करते हैं ना, तो हम लोग कॉर्न शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और आप खुद ही करते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, रोस्टेड कॉर्न वगैरह वगैरह। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो हम कहते हैं मेज। जब व्यापारी जब उसको बेचते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कॉर्न बेच रहे हैं, हालांकि कह सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मेज। और ये जो मेज और कॉर्न है, इनकी प्रोसेसिंग जब अलग तरीके से होती है, तो हमें मिलता है कॉर्न स्टार्च एंड कॉर्न फ्लावर, और ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इससे पहले कि हम डिफरेंस पे जाएं, एक पीस ऑफ हिस्ट्री देता हूँ आपको। जो कॉर्न है वो आता है मेक्सिको से, मतलब पहली दफ़ा मेक्सिको में इसको डेवलप किया गया, और वहाँ के जो लोकल इन्हेबिटेंट्स थे वो इसे खाते थे। जो वहाँ पे उस वक्त लोकल ग्रास थी उसका नाम था थियोसिंते, जिससे मक्का बना। और जो अपने भाई हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, वो निकले तो थे हिंदुस्तान को ढूंढने और पहुँच गए अमेरिकाज। कहते हैं ना क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड अमेरिका। जब वो अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ के जो लोग हैं कुछ खा रहे हैं, क्या है ये, ओ कॉर्न, और वही कॉर्न वो लेकर गए यूरोप में, और वहीं से यूरोप और पूरी दुनिया में मक्का फैला यानी कि कॉर्न फैला। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री। लेकिन अब फ़र्क क्या है, आप ये जो मक्की का दाना हम लेते हैं, इसे अगर आप ड्राई करेंगे और साबुत को ही आप पीस देंगे, तो उसे कहेंगे कॉर्न फ्लावर। जी हाँ, जिसकी बनती है मक्की की रोटी, या हम कहते हैं ना मक्की का आटा, वो कॉर्न फ्लावर होता है। मक्के के अंदर जब आप उसे काटते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो एक सफ़ेद सा हिस्सा दिखता है, जो कि उसका एंडोस्पर्म वाला एरिया होता है। उसका आप जब आटा बनाते हैं या उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे बनता है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च काम आता है सूप्स को थिक करने में, जैसे चाइनीज़ क्यूजीन के अंदर हम लोग करते हैं, या फिर कभी कभार जब हम कोफ्ते बना रहे होते हैं टूट जाते हैं, तो कहते हैं ना थोड़ा सा
कॉर्न स्टार्च डाल दो, बोलते हम कॉर्नफ्लावर है, वो होता कॉर्न स्टार्च है। तो ये था एक मोटा मोटा डिफरेंस दोनों के अंदर। दोनों के एप्लीकेशन बहुत अलग है, हालांकि कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो बेच रहे होते हैं कॉर्न स्टार्च लेकिन पैकेट पे लिखा होता है कॉर्नफ्लावर, ऐसा भी होता है। अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल हैं कि भाई अगर आपको जानना है थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे अभी हमने बात करी कि कॉर्न स्टार्च और कॉर्नफ्लावर, वैसी किसी और चीज़ के अंदर अगर आपको पता करना है, खाने की नॉलेज लेनी है, लिखिए कमेंट्स में नीचे और एक एक करके कमेंट्स पढ़ूंगा एंड कोशिश करूंगा कि सब कमेंट्स के ऊपर वीडियो बना पाऊँ। सो मिलते हैं, टिल द नेक्स्ट टाइम,